नमस्ते दोस्तों, मोटर बीम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। जब टाटा मोटर्स ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी एल्ट्रॉस उतारी तो मार्केट में ज़रूर तहलका मच गया, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी शानदार है दिखने में, इसमें अच्छे फीचर्स आते हैं और ओवरऑल ये गाड़ी की एंटिसिपेशन भी बहुत हाई है इंडियन कंज्यूमर्स में। हाँ, बहुत लोग हमें पूछते हैं कि एल्ट्रॉस खरीदनी है लेकिन कौन सा वेरियंट खरीदिए, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एल्ट्रॉस के सब वेरियंट्स के बारे में बताऊँगा। अब एल्ट्रॉस में आपको पांच वेरिएंट्स मिलते हैं, XE, XM, XT, XZ और XZ ऑप्शन पैक। इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल या फिर 1.5 लीटर डीजल के इंजन ऑप्शंस मिलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब एल्ट्रॉस का ऑटोमेटिक अभी नहीं आया है लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसका ऑटोमेटिक वेरियंट कब लॉन्च होगा। तो पहले हम शुरू करेंगे फीचर्स के बारे में। अब एल्ट्रॉस का जो बेस वेरिएंट है XE, ये वेरिएंट में आपको सिर्फ बेसिक और सिंपल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, मैनुअल AC और दो ड्राइव मोड सिटी और इको। ये वेरिएंट में आपको सेंट्रल लॉकिंग का फीचर भी मिलता है। अब ज़्यादा ऑन रोड प्राइस की बात होती है तो XE पेट्रोल की मुंबई में ऑन रोड प्राइस है 6,37,000 रुपीज़, लेकिन ये सेम वेरिएंट की डीजल वर्जन की प्राइस है 8,47,000 रुपीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पेट्रोल और डीजल की ऑन रोड प्राइस में 2 लाख से ज़्यादा का फर्क है, जो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब वेरिएंट्स के साथ साथ टाटा मोटर्स अलग अलग कस्टमाइजेशन पैक्स भी ऑफर कर रहे हैं और उसमें से एक है रिदम पैक। अब ये जो रिदम पैक है वो आप XE वेरिएंट के ऊपर खरीद सकते हैं और इसकी एडिशनल प्राइस है 25,000 रुपये। अब 25,000 में आपको तीन एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक 3.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फोल्डेबल की और 4 स्पीकर्स। तो हाँ, XE वेरिएंट में आपको एक फैक्ट्री फिटेड ऑडियो सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको शोरूम से ही फिट करवाना है ऑडियो सिस्टम 4 स्पीकर्स के साथ, तो आप ये वाला पैक खरीद सकते हैं। तो ये हो गए बेस XE वेरिएंट की बात। अब हम बात करेंगे मिडिल वेरिएंट XM के बारे में। अब XM में भी आपको सेम मैकेनिकल्स मिलते हैं लेकिन XE के ऊपर थोड़े एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक 3.5 इंच का हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर्स के साथ। आपको ये वेरिएंट में चारों पावर विंडोज मिलती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग मिरर्स मिलते हैं, आपको पार्किंग के लिए एक असिस्ट इंफोग्राफिक डिस्प्ले मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, और इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। अब ज़्यादा ऑन रोड प्राइस की बात होती है तो XM के पेट्रोल वर्जन की ऑन रोड प्राइस है मुंबई में 7,36,000 और डीजल में ये वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस है 9,36,000। तो हाँ, बेस वेरिएंट की तरह इसमें भी पेट्रोल और डीजल में 2 लाख रुपए का अंतर है। तो जैसे कि बेस वेरिएंट में आपको एक एक्स्ट्रा रिदम पैक का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही मिडिल वेरिएंट में आपको 2 पैक्स का ऑप्शन मिलता है, स्टाइल पैक या फिर रिदम पैक। तो पहले हम स्टाइल पैक की बात करेंगे। तो स्टाइल पैक की प्राइस है 24,000 रुपए। तो स्टाइल पैक में आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक ब्लैक रूफ, बॉडी कलर्ड मिरर्स, फ्रंट एंड रियर फॉग लैंप्स, 16 इंच के स्टील रिम्स। अगर हम रिदम पैक की बात करें तो XM वेरिएंट के ऊपर रिदम पैक की प्राइस है 29,000 रुपये। तो ये हो गया स्टाइल पैक। अब हम बात करेंगे रिदम पैक के बारे में। तो अगर आप XM वेरिएंट के ऊपर रिदम पैक खरीदे तो उसकी प्राइस है 39,000 रुपये और इसमें भी आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स और रिवर्स पार्क असिस्ट कैमरा। XM के बाद हम बात करेंगे टाटा एल्ट्रॉस के XT वेरिएंट के बारे में। अब XT में भी आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, पुश बटन स्टार्ट, 7 इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED DRLs, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, एक रिवर्स कैमरा और क्रूज कंट्रोल। तो जो XT वेरिएंट है उसके पेट्रोल वर्जन की ऑन रोड प्राइस मुंबई में है 8,16,000, लेकिन डीजल के लिए वही ऑन रोड प्राइस है 10,17,000। हाँ, इसमें भी आपको 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिफरेंस देना पड़ता है डीजल के लिए। अब अगर आप XT वेरिएंट खरीदे तो टाटा मोटर्स इसमें एक एक्स्ट्रा लक्स पैक ऑफर करते हैं, जिसकी प्राइस है 39,000 रुपए। इसमें आपको रियर सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, एक ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट का फीचर मिलता है, ब्लैक रूफ मिलता है, लेदर रैप स्टीयरिंग और गियर नॉब मिलता है, बॉडी कलर्ड मिरर्स मिलते हैं और एक रियर फॉग लैम्प भी मिलता है। अब XT वेरिएंट के बाद हम बात करेंगे एल्ट्रॉस के XZ वेरिएंट के बारे में। अब XZ में आपको XT के ऊपर 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट मिलते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, एक वेरिएबल स्मार्ट की मिलती है, रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी मिलता है। अब जहाँ तक XZ वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की बात होती है तो पेट्रोल के लिए ऑन रोड प्राइस है 8,84,000 ऑन रोड मुंबई और डीजल वेरिएंट के लिए ऑन रोड प्राइस है 10,87,000।
अब एक्सजेड के साथ आपको एक एक्स्ट्रा अर्बन पैक भी मिलता है जिसकी प्राइस है 30,000 रुपये। अब 30,000 में आपको कलर कोऑर्डिनेटेड इंटीरियर्स भी मिलते हैं जो आप मैच कर सकते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर पेंट के साथ। अगर आप रेड कलर की गाड़ी खरीदते हैं तो आप इंटीरियर में रेड कलर के एक्सेंट्स लगा सकते हैं जो एक्सटीरियर से मैच हो। साथ ही साथ यही पैक में आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं, बॉडी कलर्ड मिरर्स मिलते हैं और एक ब्लैक कलर्ड रूफ मिलता है। और फाइनली टॉप वेरिएंट है एल्ट्रॉस का एक्सजेड ऑप्शन पैक। अब इसमें एक ही एक्स्ट्रा फीचर मिलता है और वो है एक ब्लैक कलर्ड रूफ। हाँ, इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स आपको नहीं मिलते, जो सभी फीचर्स है वो एक्सजेड वेरिएंट में ही कवर हो जाते हैं। अब एक्सजेड ऑप्शन पैक की ऑन रोड प्राइस है ₹9,13,000 पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए है ₹11,16,000। अगर आप एक्सजेड और एक्सजेड ऑप्शन पैक के ऑन रोड प्राइसेस को कंपेयर करें तो आपको एक्सजेड ऑप्शन पैक में एक्स्ट्रा 25,000 रुपये देने पड़ते हैं और उसमें आपको सिर्फ एक ब्लैक कलर रूफ मिलता है। तो हाँ, 25,000 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और अगर आप ये सेम चीज़ बाहर करवाएं तो आपको ज़रूर थोड़ा सस्ता होगा। अब एल्ट्रॉस में इतने सारे वेरियंट्स है, इतने सारे अलग अलग पैक्स है, तो आपको फाइनली कौन सा खरीदना चाहिए? तो जहाँ तक वैल्यू फॉर मनी की बात होती है तो हमें लगता है कि फीचर्स के मामले में टाटा एल्ट्रॉस का XT वेरिएंट सबसे अच्छा है। इसकी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसमें आपको सभी नेसेसरी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, कीलेस गो मिलता है विद पुश बटन स्टार्ट और कई सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। हाँ, अगर आपको गाड़ी को अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ करना है या थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं तो आप ये सब पैक्स में से भी कोई एक खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और अगर आपको सभी प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो हम सजेस्ट करेंगे टाटा एल्ट्रॉस का XZ वेरिएंट। XZ ओ लेने में इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता क्योंकि उसमें सिर्फ एक ब्लैक रूफ आता है जो आप कहीं से भी आराम से करवा सकते हैं। तो ये हो गए टाटा एल्ट्रॉस के वेरिएंट्स और फीचर्स। एल्ट्रॉस में दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। अब एल्ट्रॉस टाटा मोटर्स की सबसे पहली गाड़ी है जो अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। अब अल्फा का फुल फॉर्म होता है एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर। हाँ, अभी के लिए एल्ट्रॉस सिर्फ मैनुअल वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, लेकिन कुछ ही महीनों में इसका ऑटोमेटिक आएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिवाली के आसपास टाटा मोटर्स अपना एल्ट्रॉस ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च करेंगे ताकि गाड़ी के सेल्स थोड़े और बढ़ जाए। एल्ट्रॉस के दोनों इंजन्स BS6 कंप्लायंट है। अगर आपको कोई और गाड़ी के वेरिएंट्स और फीचर्स के बारे में जानना है तो हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करके।